हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बाजू की एक बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है और ये हमने रेड कलर की पाइप पिन ली है, कपड़े की पाइप पिन लगाएंगे हम इसमें। और ये स्ट्रिप ली है हमने, जो हम इसमें बाजू में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। जो बाजू की हमने जो लंबाई ली है वो ली है हमने 10 इंच, और जो हमने इसकी मोहरी ली है ये हमने ली है 8.5 इंच। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर में से यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर है, सेंटर में से यहाँ से निशान लगाएंगे ऐसे, और 1.5 इंच यहाँ पे इस तरह से। और इसे हम यहाँ से इस तरह से यहाँ सेंटर पे यहाँ पे रख देंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेंटर, यहाँ पे हम एक बॉक्स प्लेट डाल देंगे। ये हमारा सीधा साइड होगा और ये हमारा बैक साइड होगा, और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट्स हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। अब हम इतनी ही चौड़ी एक स्ट्रिप लेंगे। ये देखिए, जो हमने स्ट्रिप की चौड़ाई ली है ये ली है हमने 3 इंच, और लंबाई हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे जितनी भी हमारी मोहरी है ऐसे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस स्ट्रिप को नीचे रखेंगे ऐसे, और अपनी स्लीव्स का, ये हमारी स्लीव्स का सीधा साइड है और ये हमारी स्ट्रिप का सीधा साइड है, इस तरह से रखेंगे और इसको सीधा लगा देंगे इसमें ऐसे। यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से, ये जो हमारा मार्जिन है इस मार्जिन को हम स्ट्रिप की साइड करके ऐसे यहाँ पे एक टॉप सीम लगा देंगे, ताकि इसे हम जब फोल्ड करें तो इजीली हमारी फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे पूरे में। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिप पे हमने इसमें सिलाई लगा दी है मार्जिन में अपने में। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। और जो हमने पाइप पिन ली है, इस पाइप पिन को हम इस तरह से रखेंगे इसके अंदर ऐसे, और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से, रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से फोल्ड करेंगे हम इसे पूरे को ऐसे, और इस तरह से ये पाइप पिन दिखाएंगे और यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और जितना भी हमारा आर्म होल है इस तरह से निशान लगाएंगे आर्म होल के अकॉर्डिंग और जितनी भी हमारी मोहरी है। यहाँ से लिए हमने, हमारे आर्म होल 9 इंच है, 9 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी मोहरी पे निशान लगाएंगे, ये है हमारी 6.5, 6.5 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, और इस निशान को इस तरह से मिला के हम इसकी फिटिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फिटिंग कर दी है स्लीव्स की। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आया है। अब हम इसे अपने आर्म होल में लगा देंगे, अपनी कुर्ती में लगा देंगे। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा कुछ ऐसे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।